इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सर्कुलर मेजरमेंट वृत्ति मापन की। इसके पहले वीडियो में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, उसके आगे पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोग पहुंच गए थे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री के। अगर मैं एक रेडियन बराबर निकाल लूँ तो 180 बटे पाई डिग्री आएगा मेरे भाई? हाँ बिल्कुल आएगा। तो 180 को 180 रखते हैं, पाई का मान 22 बटे 7 रख दिए। इसको काट पीट के हल करते हैं, ये 90 आ जाएगा, ये 11 आएगा, 7 9 63 बटे 11 कितना आ गया मेरे भाई? 630 बटे 11। भाग लगाते हैं, 11 5 55, 8 बचेगा 80 हो जाएगा, 11 77 कितना बच गया मेरे भाई? 3 बचा है, लेकिन ये डिग्री में है। इसी को अगर मिनट बनाना है, 60 से गुणा कर देंगे तो ये किस में आ गया? मिनट में आ गया, यानी कि 180 मिनट बन गया। 180 में 11 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 1 11 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 11 66 66। अब कितना बचा? 4 बचा है, लेकिन ये किस में? मिनट में। इसको अगर 60 से गुणा कर देंगे किस में आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा, 240 सेकेंड आ गया। अब 11 से अगर मैं भाग लगाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 11 2 22 कितना बचा है मेरे भाई? 2 बचा, 20 हो गया। 11 1 में 8 बच गया, 9 बच, 8 बच गया मेरे भाई। उसके बाद 11 88 कितना आ गया? इतना सेकेंड आ गया। तो याद रखिएगा, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये एग्जाम में कईयों बार पूछा है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ घड़ी के फिगर बने हुए हैं। इसमें क्या होगा कि घड़ी के सवाल, इस चैप्टर में घड़ी के भी सवाल आ जाते हैं। तो घड़ी के बारे में हम लोग जानते हैं, आप जानते हो घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड की, मिनट की और घंटे की। हम लोग यहाँ पर सेकंड को न्यूट्रल समझेंगे, मतलब उसके बीच का एंगल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जल्दी जल्दी चल जाएगा थोड़ा, 1 सेकंड 1 सेकंड, तो उसको हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं। तो दो घड़ियों के बीच में हमेशा एंगल निकालते हैं, समय निकालते हैं, जो भी निकालना होगा दो सुइयों के बीच में ही निकालते हैं। वो सुइयाँ कौन कौन सी होगी? घंटे और मिनट की। तो हम लोग घड़ी में जो बात करेंगे वो दो सुइयों के बीच में करेंगे, कौन कौन वाला? एक घंटा वाला और एक मिनट वाला। तो यहाँ पर देखते हैं, अब देखिए, जो घंटे वाली सुई होती है, एक चक्का अगर पूरा घूमेंगे तो 12 घंटा लेगा। तो जो घंटे वाली सुई है, 12 घंटे में एक चक्कर घूम जाएगा, और 12 घंटे में जब एक चक्कर घूम गया तो इसके सेंटर पे कितना कोण बना देगा? 360 कोण बनाएगा। तो जो घंटे वाली सुई होती है 12 घंटे में कितने कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। एक घंटे के निकालेंगे बर्तियाँ 36, कितना आ जाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। अगर मैं एक मिनट में निकाल लूँ तो एक मिनट में कितने का कोण बनाएगा मेरे भाई? याद रखिएगा, आधे डिग्री का कोण बनाएगा। कौन? घंटे वाली सुई एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अगर मैं मिनट वाली की बात करूँ, मिनट वाली 60 मिनट में एक चक्कर घूम जाती है। तो याद रखिएगा, एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है। भैया 60 मिनट में कितने का कोण? 360 का। एक मिनट में निकालेंगे 6 6 36, 6 बार में काट दे तो एक मिनट में आ जाएगा 6 डिग्री का कोण। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसमें और इसमें देखिए, पहले इसकी बात कर लेते हैं, एक सुई के बीच की बात करो, कितने कोण बन रहा है? 90 का कोण बन रहा है। कितने का भैया? 90 का। लड़का लोग यही देखता है कि 90 कड़वा इसे बनता है। नहीं रे मेरे भाई, अगर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच अगर 15 मिनट का गैप हो जाए तो उनके बीच में कितने का एंगल बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखिएगा, हर घंटे में घड़ी के सुइयों के बीच 2 बार कितने कोण बनता है? समकोण। कितनी बार? 2 बार समकोण बनता है। तो याद रखिएगा, हर घंटे में 102 को बीच में 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएंगे? 2 बार समकोण बनाएंगे। कितनी बार भाई? 2 बार समकोण बनाएंगे। तो 12 घंटे में कितना बनना चाहिए? 24 बनना चाहिए। 12 2 24, 1 घंटे में 2 बार बना रहा है तो 12 में 24 बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितना बनता है? 12 घंटे में सिर्फ 22 समकोण बनते हैं। कितने समकोण मेरे भाई? 22 समकोण बनते हैं। तो 2 ठू कम पड़ गया। कहाँ कम पड़ गया? अब देखिए, ये 2 होता है और 2 से 4, 8 से 10, 2 से 4 कितना घंटा हो गया? इसके बीच में 2 घंटा, कितना समकोण बनना चाहिए था? 4, लेकिन बनता कितना है? 3 समकोण। याद रखिएगा, यहाँ पर कितना समकोण बनेगा? 3 समकोण। उसी प्रकार 8 से 10 के बीच में 2 घंटा है, कितना समकोण बनना चाहिए? 4, लेकिन बनता कितना है? 3। तो 2 समकोण यहाँ से घट जाता है तो कितना बच गया? 22। कितना? 22। तो याद रखिएगा, 12 घंटे में कितना समकोण बनाती हैं घड़ी सुइया आपस में? 22। 24 घंटे में निकालेंगे तो यही क्रिया फिर से हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 22 दुना 24,
44, 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार समकोण बनाती है, यानी कि 90 का कोण बनाती है आपस में एक दूसरे से 44 बार। अगर इसको देखिए, इस वाले फिगर को, लकवा मार गया है इसके सुई को, कमजोर हो गया है, वाला देखिए हष्ट पुष्ट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, क्या देख रहे हैं, सुई एक दूसरे के ऊपर चढ़ी है, चढ़ी ना है मतलब ऊपरा है, नीचवा है, ऊपर ऊपरा वाले मिनट क्या है, से मिनट वाली नीचे है, ऊपर क्या है, नहीं घंटा वाली नीचे है, ऊपरा मिनट वाली है, उसी ऊपर ओवरलैप की है। क्या है, जब एक के ऊपर एक आ जाए उसे ओवरलैप कहते हैं, संपाति कहते हैं, या ऊपरा चढ़ी हुई है, क्या है, ऊपरा चढ़ी हुई है। अब देखिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ हैं, अब मिनट वाली चलना सुई प्रारंभ कर देगी, मिनट वाली ऐसे चलते 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 जाएगी, चलते चलते जाएगी, ऐसे घूम के आएगी, तब तक घंटा वाली कहाँ पहुँच चुकी होगी, एक पे पहुँच चुकी होगी, ये घंटा वाली है तो कहाँ पे पहुँच चलेगी, पहुँच चुकी होगी एक पे। लेकिन इस 12 से एक के बीच में आपने क्या ये देखा कि जो मिनट वाली सुई है घंटे के ऊपर चढ़ी, नहीं ना चढ़ी है, अरे भाई कहाँ चढ़ेगी, पहले दोनों यहीं पर है, अब जब घूमना मिनट वाली सुई शुरू करेगी तो घंटा वाली चढ़ के यहाँ चली गई, तो इसके बीच में संपाति नहीं बनती है। क्या होता है, संपाति नहीं बनती, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं होता, कहाँ 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग होबे नहीं करता, कहाँ सुइयों के बीच में। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक पे आ गया है, अब मिनट वाली सुई यहाँ है, घंटा वाली सुई यहाँ है, ये आगे बढ़ेगा तो घंटा वाली चुकी नहीं रहेगी, यहू आगे बढ़ेगा, तो 12 से 1 के बीच में यहीं पर आके मिनट वाली सुई के ऊपर चढ़ के फिर निकल जाएगी ना ऊपर से, तो एक बार हो गया। इसी बार इसी तरह हर घंटे में ऊपर से चढ़ चढ़ के निकलेगी, चढ़ चढ़ के निकलेगी, तो 24 घंटे में कितनी बार चढ़ के निकलेगी ऊपर से, 24 घंटे, पहले 12 घंटे की बात कर लेते हैं, 12 घंटे में 11 बार, क्योंकि एक घंटा ऐसा आएगा उसके ऊपर से नहीं गुजरती, यानी कि एक घंटे में संपाति नहीं होती, वो कभी घंटा कब, 12 से 1 के बीच में। तो अगर मैं बात करूं 12 घंटे में कितनी संपाति बनती है, 11, तो 24 घंटे में कितनी बार संपाति होगी, 22 बार। इस बात को याद रखिएगा, संपाति मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, कितने कोण बनाए, 0 डिग्री का कोण बनाए, और इसी का जस्ट उल्टा होता है 180 डिग्री। भैया हर घंटे में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तो 24 आ जाएगा सीधे सीधे, कितना आ गया, 24। तो इन सब बातों को याद रखिएगा। इसके अलावा हमसे कई बार कोण और पूछेगा, तो कोण और के बारे में बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। दो घड़ियों सुइयों के बीच का कोण निकलवाया है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखिए, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अगर घड़ी ठीक ठाक है तो, बिगड़े उगड़े ना, नहीं तो बिचौम कहीं धीमा पड़ जाए, तेजी पड़ जाए, तो जो भी होगा सब हम लोग निकालेंगे। तो उस फार्मूला को याद रखिएगा, एक मिनट बराबर क्या भाई, एक मिनट बराबर 2/11 ब्रैकेट में 30 गुणता हावर प्लस माइनस एंगल, यही फार्मूला याद रखिए, जितने क्वेश्चन होते हैं सब निकलेंगे चुटकियों में, कैसे आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तो बताएंगे। क्या याद रखना है, एक मिनट बराबर 2/11 30 गुणते हावर प्लस माइनस एंगल, ये जो घंटा है यानी कि हावर है, हमेशा छोटा वाला घंटा लेंगे, जैसे अगर 2 से 3 के बीच में छोटा कौन है, 2, 4 से 5 के बीच में छोटा कौन है, 4, तो 4 लेंगे। एंगल जो होता है कोण, उनके बीच का कोण है, प्लस माइनस लगा देंगे। अब याद रखिएगा, कभी कभी क्या होगा, इस ब्रेकेट के अंदर का पूरा मान 360 से ज़्यादा चला जाएगा, जब ये 360 से ज़्यादा जाए तो उसी में 360 घटा देना है, क्या कर देना है, 360 माइनस कर देना है। लेकिन कभी कभी इसे थोड़ा माइनस में आ जाएगा, है ये अंदरवा वाला, जब माइनस में आ जाए मेरे भाई तो उसमें 360 ऐड कर देना है, क्या कर देना है, ऐड कर देना है, इस फार्मूला का यूज कर ले देंगे। अब देखते हैं घड़ी कितने मिनट बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, कितने मिनट बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है, यानी संपाति होता है 0 डिग्री कोण बनाती है, तो एक मिनट बराबर कितना है, 2/11 30 गुड़ता हावर, 12 है ना, तो 12 से जब आगे गुजरेगी तो कितने मिनट बाद बनाएगी संपाति, तो यहाँ ले लेते हैं 12 प्लस माइनस 0, क्योंकि संपाति में कुड़वा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, बढ़ते हैं 36 × 72 720/11 11 × 66 कितना आ गया, 5, 6 बचा, 66 × 6 = 60 हो गया, 11 × 5 = 65 5 बचे हैं, तो याद रखिएगा इतने मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 65 × 5 = 11 मिनट बाद सुइया क्या होती है, संपाति होती है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, कितने मिनट बाद, फिर मैं इस बात को याद रखिएगा, इतने मिनट बाद 65 × 5 = 11
इस फार्मूलों को भी समझ गए कैसे यूज करना है, हम लोग सवाल में सीखेंगे। इसके अलावा इसमें त्रिज्यखंड वृत्तखंड आएगा, उसके बाद हम लोग सवाल के माध्यम से त्रिज्यखंड वृत्तखंड पढ़ लेंगे, कितना है सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पर। इन सब बातों को याद रखिएगा, हम लोग अगले टर्न से सवाल बनाएंगे, इसके सवाल इसके कैसे होते हैं, कैसे लगेंगे, कैसे एग्जाम में आएंगे, सब कुछ हम जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।